हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टाइनी डॉट स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन। टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट ईवीएस। टुडे वी विल राइट चैप्टर नंबर 5, फिलअप्स, राइट और रॉन्ग एंड क्वेश्चन आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे, फिलअप्स, ट्रू और फॉल्स, नेम सम वाइल्ड एनिमल्स एंड क्वेश्चन आंसर। तो आपको अपनी जो ये ईवीएस की नोटबुक है उसमें हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था ना, वाइल्ड एनिमल्स। तो हमने पहले लिखा था हार्ड वर्ड्स, मिसिंग लेटर, जंबल वर्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको कौन सी हेडिंग डालनी है जंबल वर्ड के बाद में, फिलअप्स, FILL, फिल, UPS, अप्स, फिलअप्स, फिर लिखना स्टार्ट करना है। डैश is called, dash is called king of jungle, dash is called king of jungle। तो क्या आएगा, lion, 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 lion is called king of jungle। dash is our नेशनल एनिमल, तो आंसर क्या आएगा, टाइगर, टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर आपको पेज टर्न करना है और राइट और रॉन्ग की हेडिंग डालनी है। राइट और रॉन्ग नंबर 1, जिराफ हैज लॉन्ग नेक, जिराफ हैज लॉन्ग नेक। तो आंसर क्या आएगा, राइट, जिराफ हैज लॉन्ग नेक। नेक्स्ट, चीता इज फास्टेस्ट लैंड एनिमल, तो आंसर क्या आएगा, राइट, चीता इज फास्टेस्ट लैंड एनिमल, तो क्या आएगा, राइट। लायन इज अवर नेशनल एनिमल, आंसर क्या आएगा, रॉन्ग। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, नेम सम वाइल्ड एनिमल्स, नेम सम वाइल्ड एनिमल। आपको नेम सम वाइल्ड एनिमल की हेडिंग डालनी है और लिखना स्टार्ट करना है। LION, लायन, LION, लायन। टाइगर, TIGER, टाइगर, TIGER, टाइगर। एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। बियर, BEAR, बियर, BEAR, बियर। नंबर 5, डियर, DEER, डियर, DEER, डियर। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट पेज पे आपको क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालें। क्वेश्चन आंसर नंबर 1, हु हैज अ लॉन्ग नेक, हु हैज अ लॉन्ग नेक, तो आंसर क्या आएगा, जिराफ, हैज अ
long neck. Giraffe has a long neck. Who has a long neck? Giraffe has a long neck. Number 2. Which is our national animal? आंसर क्या आएगा? टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल. टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, हु रन्स वेरी फास्ट? आंसर क्या आएगा? द डियर रन्स वेरी फास्ट. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये जो चैप्टर नंबर 5 अपनी EBS की नोटबुक में कंप्लीट करना है. थैंक यू.